दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टाटा AIG इंश्योरेंस में जो डे केयर ट्रीटमेंट आपको बताए गए हैं वो कौन कौन से ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी बीमारियों का ट्रीटमेंट करेंगे और कौन कौन सी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी देखना, हो सकता है कि ये वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन पर दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो इसके मैं कुछ 540 जो ट्रीटमेंट बताए गए हैं वो मैं अपने इस वीडियो में आपको PDF के थ्रू बताऊंगा। दोस्तों वीडियो पूरी देख लेना। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि कोई भी इंश्योरेंस आप लेते हो दोस्तों उसके टर्म कंडीशन और उसके कौन सी बीमारियां कवर होनी है और कौन सी बीमारी कवर नहीं होनी है वो सारी चीज़ आप को जो बताएगा एजेंट हो या बैंक का बंदा हो या फिर इंश्योरेंस का बंदा हो वो अच्छे से समझ लीजिए करें। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इंश्योरेंस लेने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कोई बीमारी से एक साल या 6 महीना या 2 साल या परमानेंट से गुजर रहे हो तो बीमारी कवर नहीं होती इंश्योरेंस में। अगर आप इंश्योरेंस लेने के बाद समझ लीजिए आज आप फिट हो ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस लेने के 31st डे बाद आपको कोई बीमारी होती है जैसे मलेरिया, डेंगू, फ्लू जैसी बीमारियाँ, ये सारी कवर होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपका इंश्योरेंस लेने के बाद कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, आपका कोई भी बड़ा बीमारी जैसे कि आपका चीरफाड़ करेंगे या फिर हार्ट का बड़ा सर्जरी हो गया, तो ये सारी बीमारियां जो ऑपरेशन से होती है वो सारी बीमारियां कवर नहीं होती है। उसके भी कुछ टर्म कंडीशन होते हैं जो कि कुछ इंश्योरेंस में कहा गया है कि सभी इंश्योरेंस में कहा गया है एक्चुअल में कि 2 साल के बाद ही वो ट्रीटमेंट कवर होती है, मतलब कि ऑपरेशन वगैरह कुछ भी हो, बड़ा इलाज हो तो वो 2 साल के बाद कवर होता है। लेकिन दोस्तों आपको जो छोटा मोटा जो मतलब जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, पीलिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारी बीमारियाँ आपको 31 डेज में कवर करके मिलती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज बताना है कि डे केयर में कितना सारा ट्रीटमेंट कवर होता है। तो सबसे पहले कार्डियोलॉजी रिलेटेड है जो कि कोरोनरी एंजियोग्राफी है, उसके बाद क्रिटिकल केयर है, क्रिटिकल केयर रिलेटेड। दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूँ कि पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी लेने से पहले कोई भी बड़ी बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी लेने के बाद अगर 2-3 महीने बाद कोई बीमारी होती है तो वो कवर हो सकती है, लेकिन टर्म कंडीशन उसके लिए अप्लाई है। दोस्तों डेंटल रिलेटेड है, देख लीजिए, ENT रिलेटेड है, आँख नाक गला। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों बीमारियों के नाम हैं जो कि हो जाते हैं पेशेंट को। तो दोस्तों ये सारे ट्रीटमेंट है, देखिए अभी हम लोग 27 पे आ गए हैं, 26, 27, 30, 31। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट का इलाज दे रहा है टाटा AIG इंश्योरेंस। तो दोस्तों कभी भी इंश्योरेंस लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि कौन कौन सी डे केयर में ट्रीटमेंट मिलने वाले हैं, कब मिलने वाले हैं, अब कब तक मिलने वाले, ये 2 चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। और ये देखो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, थोड़ा नाम प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग ये सारी बीमारी गूगल में लेके सर्च कर सकते हो कि ये कौन कौन सी बीमारी है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा दोस्तों, या तो फिर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से ये PDF ले सकते हो। आप लोग को बताना था इसीलिए मैं ये PDF बता रहा हूँ आपको। तो काफ़ी बढ़िया लिस्ट है दोस्तों, काफ़ी बड़ा है, अच्छे से अच्छा लगता है ट्रीटमेंट इसमें कवर किया जा रहा है। जनरल सर्जरी रिलेटेड दोस्तों इस प्लान को कोई भी ले सकता है, अगर वो 18 साल से ऊपर है तो भी ले सकता है। अगर वो बच्चा है, पेरेंट्स मतलब पति पत्नी अगर अपने बच्चे को भी कवर करना चाहते तो वो भी हो जाएगा दोस्तों, नो इशू है। दोस्तों ये फैमिली मेडिकेयर है, पूरी फैमिली कवर हो जाएगी।
काफ़ी बढ़िया इंश्योरेंस है, लेकिन लेने से पहले दोस्तों कुछ सब कुछ वेरीफाई कर लेना, सब सब डाउट क्लियर कर लेना दोस्तों। दोस्तों पाइल्स भी देखो कवर हो रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों को पाइल्स की समस्या होती है, तो फिर ठीक है, मैं पूरे 400-500 जितने भी ट्रीटमेंट है मैं वो आपको इस वीडियो में पूरे बताऊंगा दोस्तों। आपको क्या कर लेना है, बस आपको बीमारियों के नाम देख के उस बीमारियों को सर्च कर लेना है दोस्तों, जियोनोलॉजी रिलेटेड। अभी हम लोग आ गए हैं 200 के लगभग दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारियाँ चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पे बता सकते हो। काफ़ी लॉन्ग हो जा रही है हमारी वीडियो, लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये सब ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन मिलना। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी तो पता है आपको, ब्रेन से या उससे जुड़ी समस्या कोई भी। ऑनकोलॉजी, रेडियोथेरेपी ऑफ कैंसर, कैंसर कीमोथेरेपी, काफ़ी बड़ा हो सकता है हमारा वीडियो दोस्तों। रेडिकल रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन ऑन द सिल्वर ग्लैंड, सेलिवरी डक्ट, ऑपरेशन ऑन द स्किन एंड सब्सटेंस टिश्यू। थोड़ा उच्चारण में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों मुझको। ऑपरेशन ऑन द टंग, ऑप्थेलो, क्या लिखा है, ऑप्थामोलॉजी, नाम ही दोस्तों काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट है। मैंने इतनी मैं लाइफ में मतलब इतना जो बीमारियाँ है इसके बारे में नहीं सुना है, इसके कारण मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा उच्चारण में हो सकती है प्रॉब्लम, थोड़ा आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाऊँगा इसके रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों मेरे को भी इनके बीमारियों के बारे में इतना नॉलेज है नहीं। ऑर्थोपेडिक रिलेटेड, ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है, ये देखिए लिगामेंट टेयर हड्डियों से रिलेटेड है, ऑर्थोपेडिक बोले तो हड्डी से रिलेटेड। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना एक वीडियो बना दूंगा, एक एक थोड़ा थोड़ा टाटा एजी में क्या कवर हो रहा है। अगर आप जिस बीमारी में बोलेंगे कि ये बीमारी के बारे में बता दो, तो मैं इंश्योरेंस के रिलेटेड वो बात करके आपको समझा दूंगा। अदर ऑपरेशन ऑन द माउथ एंड फेस, पेडियाट्रिक सर्जरी रिलेटेड, प्लास्टिक सर्जरी रिलेटेड। दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि बीमारियाँ अगर इंश्योरेंस लेने के बाद होती है तो कवर हो जाएगी, लेकिन उससे कुछ टर्म कंडीशन है तो आप बैंक में फ़ोन करके पता कर सकते हो कि इसके लिए कितना वेटिंग डे का पीरियड है, कितना दिन रुकना पड़ेगा इस बीमारी के लिए। ठीक है दोस्तों, थोरकिक से सर्जरी रिलेटेड, यूरोलॉजी, दोस्तों काफ़ी बढ़िया है पूरा, बहुत सारा लिस्ट है, इतनी सारी बीमारियों को कवर कर रहा है दोस्तों। दोस्तों हमें अपने इस वीडियो में, हमारी वीडियो को पूरी देखने के लिए और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप उसमें कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उस बीमारी के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आपको।